हरि गोविंद जय आराधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय आ गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय
तस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसीदेव प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतई नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं। अभी सोच रहे हैं अभी मेरे नित्यानंद कहाँ हैं, अभी तो मैं प्रकट हो गया हूँ, अभी दाऊ भैया कहाँ हैं। और उधर श्री नित्यानंद प्रभु भी सोच रहे हैं, हैं वृंदावन में क्या सोच रहे हैं। वृंदावन में कहते हैं मेरे प्रभु अभी प्रकट हो गए, इसलिए अभी मेरे प्रभु को साथ में मुझे मिलनी चाहिए। इसलिए श्री मन नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आ गए हैं। इसलिए कहते महा अवधूत भेष प्रकांड शरीर निरवधि गड़ी गंभीरता देखी महाधीर। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु का स्वरूप को प्रकाश करते हैं। नित्यानंद प्रभु कैसे बोले प्रकांड शरीर हैं, क्योंकि बलदेव उनका नाम ही बलदेव है। अजान लंबित भुजो कनका बदा दो। इसलिए जितने जो महापुरुष का लक्षण, महापुरुष में कितना लक्षण है, कितना लक्षण है कहते उनके अंदर में, कितना बताओ कहते उनके अंदर में 26 लक्षण है, इनको अंदर में 26 लक्षण है। इसलिए कहते श्री नित्यानंद प्रभु के अंदर में अजान लंबित भुजो कैसे, आकर्ण लंबित चक्षु कैसे हैं, उनके अंगुली कैसे होनी चाहिए, हाथ का रंग कैसे होनी चाहिए, बक्ष स्थल कैसे विशाल, कटी कैसे पतली है हैं। इसलिए वहाँ पर बताए गले में त्रिवली पड़ा हुआ होगा, उनको ललाट विशाल होगा, कहते उनके अंदर में 26 लक्षण है। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु के अंदर में ये सब के सब लक्षण विद्यमान, बड़े सुंदर बलराम प्रकांड शरीर है। हर समय क्या है हैं, हर समय कृष्ण प्रेम रूपी भक्ति रूपी जो नशा में हर समय डूबे हुए रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, हर समय डोलते रहते हैं। जैसे एक शराब पी करके जैसे झूमता है, नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु का प्रेम रस में हर समय हुए झूमते रहते हैं। और हर समय बदन में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और हर समय कृष्ण नाम में हुंकार करते हैं, हैं एकदम महामत है करोड़ चंद्रमा। इसलिए कहते नीताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जय छायाए जगत जुड़ाए। इसलिए कहते नीताय पद कमल
कोटि चंद्र सुशीतल, नित्यानंद ब्रह्म का जो चरण है, करोड़ चंद्रमा से भी जीत करके उनके चरण सुशीतल है, जिसको द्वारा विश्व ब्रह्मांड जिसको द्वारा शांत हो जाते हैं, विश्व ब्रह्मांड को शांति प्रदान करने वाले, आनंद देने वाले। इसलिए बड़े मनोहर है, वक्ष विशाल है। इसलिए कहते जी की कथा सुनने से जीव का कर्म बंध नष्ट हो जाता है। बल आई ला नदिया पुरे नित्यानंद राय, सकल भुवन जय जय ध्वनि गाय। कहते हम नित्यानंद प्रभु श्री नवद्वीप धाम में आए, कहते संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में श्री नवद्वीप धाम में क्या हो रहा है, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की क्या जय। और कोई बोल रहे हैं कुछ मुंह बंद रहे, सब जय कर रहे, तुम लोग क्या चुप बैठो, तुम ध्यान ही ना। इसलिए कहते हैं श्री नित्यानंद प्रभु की जय। इसलिए संपूर्ण नवद्वीप वासी में जय जयकार। और कहते संपूर्ण जो नवद्वीप धाम है ना, भाई तुम आनंद में भर गया, क्योंकि स्वयं आनंद स्वरूप है, वो रस स्वरूप है, आनंद पर तो आनंद होगा ही। लेकिन उन्होंने क्या किया, बोले बणिक अधर्म मूर्ख जे कर लपार। नित्यानंद प्रभु बड़े दया बड़े कृपालु, बोले जिनको ऊपर में कोई भी कृपा करने वाले नहीं, कहते अगर कोई उनका अगर उनको ऊपर कोई कृपा करने वाले ना, श्री नित्यानंद प्रभु कृपा करने वाले। इसलिए श्री भक्ति विनोद श्री कौन कह रहे हैं, श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, दयाल नीताई चैतन्ना भोले नाचे रे अमर मन। एक आसन दे, नीताई चैतन्ना भोले नाचे रे अमर मन, दयाल नीताई चैतन्ना भोले नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन। ए मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे, अपराध दूर जावे पावे प्रेम दर, दयाल नीताय चैतन्ना बोले नाच रे अमर मन, दयाल नीताय चैतन्ना बोले नाच रे अमर मन। ओ न में अपराध विचार नहीं है, ओ न में अपराध विचार वृंदावनी राधा श्यामे पावे दर्शन, जैसे वृंदावनी राधा श्यामे पावे दर्शन, दयाल नीताय चैतन्ना बोले नाच रे अमर मन, दयाल नीताय चैतन्ना बोले नाच रे अमर मन। मेरा जो मन है नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का नाम लेकर नाच उठे, बोले क्यों, बोले नित्यानंद प्रभु कैसे, बोले जितने अधम मूर्ख सबको पर मार खा कर भी उन्होंने प्रेम दिया है, हैं? इसलिए नित्यानंद प्रभु की बोल चैन है, मेरे ची कलसी काना ताई बोली की प्रेम दीवना, भले तुम्हें कलसी मेरे मार करके भले ही मेरे सर को फोड़ दिया है, इसलिए क्या मैं तुमको प्रेम नहीं दूंगा। एक बार बोलो श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। इतने में ही कर्तव्य में प्रेम दे दूंगा, इतने में ही मैं तुम्हें प्रेम दे दूंगा, कहते इतने दयालु। इसलिए सबको ऊपर में कृपा किया, जिनको ऊपर में कोई कृपा नहीं करते थे उनको ऊपर नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु आ करके उन्होंने क्या किया, श्री नंदन आचार्य को घर में आया, और नंदन आचार्य देख करके उन्होंने उनको घर में उनको स्वागत किया, उनको प्रसाद दिया, उनको सेवा करके, और हैं और बड़े प्रसन्न हुए नित्यानंद प्रभु आए हैं। इतने में उन्होंने उनको विश्राम करने दिया। इतने में सबर जब हुआ, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं का देखो मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है, हैं विशाल शरीर हैं, इसलिए उनका रथ का नाम क्या है, काल ध्वज क्यों है, जैसे ताल पेड़ बहुत लंबा चौड़ा होता है, हैं? बड़ा लंबा होता है ताल पेड़, इसलिए श्री बलदेव प्रभु भी बड़े लंबे हैं, सबसे बड़े श्री नित्यानंद प्रभु हैं, सबसे बड़े श्री नित्यानंद प्रभु, उनसे बड़े कोई जगत में नहीं, इसलिए अनंत रूप में अनंत सेवा करते हैं श्री। और पृथ्वी रूप में कौन है, श्री बलदेव प्रभु, पृथ्वी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, अनंत रूप में
अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को अपना सर के ऊपर में एक फण के ऊपर में सरिसो जैसे उन्होंने धारण करके रखा है। इसलिए कहते उनका रथ का नाम भी तालध्वज है। महाप्रभु कह रहे हैं मैंने देखा एक तालध्वज रथ आया, रथ के ऊपर श्री एक महापुरुष बैठे हुए और वो बैठ करके आए आ करके और उनका वस्त्र कैसे है, नित्यानंद प्रभु का वस्त्र क्या है, कहते नील वस्त्र धारण किए हुए। और नील वस्त्र क्यों धारण करते हैं, कहते श्री नील वस्त्र इसलिए कृष्ण का जो रंग है और नील रंग है, राधा रानी भी नील वस्त्र धारण करती है, इसलिए बलदेव प्रभु मानो कृष्ण रंग में अपना शरीर को रंगे हुए हैं। दो कांत हैं लेकिन एक कुंडल है, एक कुंडल केवल एक उनकी बाम कान में ही केवल एक कुंडल है। इसलिए और हाथ में हल मुसल धारण करते हुए कह रहे हैं महाप्रभु का घर को सामने आए, दरवाजा खटखटा, बोले ये क्या निमाई पंडित का घर है, हैं ये क्या निमाई पंडित का घर है। इतने में जब उन्होंने बोले महाप्रभु गत में निकला, निकल करके मैंने देखा अद्भुत रूप है, मैंने जिज्ञासा किया बोले तुम कौन हो, कह तू पहचाने मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ, हैं मैं वही ताऊ भैया हूँ, बोले ताऊ भैया, बोले हाँ। तो महाप्रभु बोले ठीक है कल मैं मिलूंगा तुमसे, आज नहीं कल तुम्हारे साथ में मैं मिलूंगा। महाप्रभु इतना बोलते बोलते महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु बड़े भाई ना, इसलिए उनको प्रेम में महाप्रभु मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर उन्होंने गर्जन करने लगे, हैं गर्जन करने लगे, बोले लाओ मद लाओ मद लाओ, मदल क्या है शराब लाओ, हैं मद लाओ शराब लाओ। इतने में श्रीवास पंडित बोले बोले वो मद तो तुम्हारे पास में है, आप जो कह रहे हो मद लाओ लेकिन वो मद तो तुम्हारे पास में ही मद है, हैं ये मद तो और कहीं नहीं, तुम मद मांग रहे हो लेकिन वो मद तो तुम्हारे पास में, मद मतलब क्या प्रेम है, हैं कहते वो प्रेम तो तुम्हारे पास में वो प्रेम है, इसलिए कहते वो प्रेम है ना, कहते अगर तुम अगर चाहते हो किसको देने के लिए फिर तो वो मद तुम ही दे सकते हो, हैं ये मद और कोई नहीं दे सकता है, इसलिए ये मद तुम दे सकती है, मद तुम्हारे पास में है। इसलिए भागवत में भगवान की कथा को बताया आसव, हैं क्या बताया आसव, हैं इसलिए आसव मतलब होता है शराब, इसलिए कथा को आसव बताया शराब बताया, इसलिए साधारण शराब रात को पियो सवेरे उसकी नशा उतर जाती है, लेकिन ये जो नशा है ना कभी ये उतरती नहीं, ये नशा बढ़ती रहती है, ये नशा बढ़ती रहती है नशा, इसलिए कहते हैं ये नशा आप ही दीव को कृपा करके वो प्रेम तुम ही तो दे सकते हो, नशा तो तुम्हारे पास में तुम्हारे पास में। इतने में श्री महाप्रभु का ज्ञान हुआ, जब महाप्रभु का ज्ञान हुआ इतने में महाप्रभु ने कहा देखो मैंने स्वप्न देखा है, हरिदास और उनने श्रीवास पंडित बोला कहते मैंने देखा है एक महापुरुष आया है, इसलिए जाओ तो महापुरुष को ढूंढ करके लाओ कहाँ पर महापुरुष। अभी श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर गए महापुरुष कहाँ है, लेकिन सारा दिन ढूंढते 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 लेकिन मिले ही नहीं, जब मिले ही नहीं शाम को वापस आए, तीन प्रह से वापस आए, जब उनने वापस आए तो इन्होंने बोले मिला प्रह तक पूरा नवद्वीप उन्होंने छान बीन लिया लेकिन वो मिले ही नहीं महापुरुष। इसको सुन करके बोले दोहार बचन सुनिए हास्य गौर चंद्र, जब दोनों ने कहा भैया महापुरुष तो मिले, बोले टीका में क्या कह रहे हैं, कहते यहाँ पर महापा में ही नित्य और कृपा में महाप्रभु को जान सकते हैं, तो उनको कौन समझ सकते हैं, बोले चैत्र तो अवगत ये गुरु चार गुरु, उसमें चैत्य गुरु है एक दीक्षा गुरु एक शिक्षा गुरु और एक है अंतर्यामी गुरु और एक है हमारे नृसिंह लक्ष्मी की उपासना का वृत्ति रहता, फिर तो हम विष्णु स्वामी संप्रदाय में कहीं चले जाते हैं, राधा सख्या रूप में उपासना का होता, फिर हम लोग निम्बार्क संप्रदाय में जाते वहां जाते, लेकिन हमारी जो सुकृति है ना विशेष करके जो गौड़ीय वैष्णव जगत में आए इनका सुकृति एक अलग सुकृति स्पेशल सुकृति है इनकी, है
इनके अंदर में महाप्रभु की अनुगत्य में है, अनुगत्य में राधा कृष्ण की जो सेवा, इसके एक अलग सुकृति, जो सुकृति है, अलग स्पेशल सुकृति है, है? जिस चीज को दुर्लभ प्रेम दिया, वो दुर्लभ प्रेम उन्होंने आसानी से जिया। लगता है हम लोगों का जो भक्ति उन्मुख सुकृति स्पेशल सुकृति हमारी, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, इसलिए कहते हम लोग को यहाँ पर जो लाए स्वयं महाप्रभु लाए हैं, चैतन्य महाप्रभु हमें लाए, जगन्नाथ कृष्ण ही हमें यहाँ पर लाए, और उन्होंने जो गुरु जी के पास में गए उनकी कृपा से ही हमें मिले। इसलिए यहाँ पर श्रीवास पंडित और कौन हरिदास ठाकुर, वो गए ढूंढे, सारा दिन ढूंढते रहे, लेकिन ढूंढे ढूंढते मिले ही नहीं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो तत्व है वो बड़े गोपनीय तत्व है, हैं? उनको समझना बड़ा कठिन है, इसलिए वो किसी तरह जब ढूंढ नहीं पाए, किसी तरह से जब वापस आ जाए, बोले जहा देर चैतन्य उन्मेष है नहीं, नित्यानंद लीला बुझा कठिन, जिनकी चैतन्य का उन्मेष नहीं हुआ, हाँ चेतनता नहीं जागा, कहते वो कभी नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं सकते हैं। इतने में चैतन्य महाप्रभु ले चलो मेरे साथ में, चलो मैं ले चलता हूँ। उनने सीधा उन्होंने श्री नंदन आचार्य जो घर में पहुंचे, हैं इसका मतलब क्या है, जब महाप्रभु को जब शरण में हम आएंगे, महाप्रभु हमें अपना सही जगह पर श्री महाप्रभु सीधा महाप्रभु हमें ले जाएंगे, हैं लेकर के उन्होंने उनको घर में गए और उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु ध्यान में बैठे हुए और कर्ण जैसे सूरज जैसे का जैसे तेज है, नित्यानंद प्रभु का शरीर से कर्ण सूर्य का तेज ध्यान मग्न में बैठे हुए। इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना भक्तों को साथ में प्रणाम किया, किसको प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु को उन्होंने प्रणाम किया, क्यों, नित्यानंद प्रभु कौन है, बड़े भाई है, ये बड़े भाई नित्यानंद प्रभु। और दूसरी बात है जब तक नित्य करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, इनका कृपा नहीं होने पर मेरे कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आगे सुनेंगे, हैं आगे से कथा सुनेंगे। इसलिए किसी ने कैसे महाप्रभु को प्रणाम करके नित्यानंद प्रभु का प्रणाम किया, महाप्रभु स्वप्न में प्रकट हो गए, तुम तत्व को नहीं समझा, तुम तत्व को नहीं समझा, फिर उन्हें दूसरे दिन स्वप्न देखा है, स्वप्न कैसे दिखाए। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु अपना परिकर, एक तो बड़े भैया है, आगे इस बात बताएंगे, इसलिए कैसे श्री नित्यानंद प्रभु ने कैसे उन्होंने महाप्रभु को कैसे उन्होंने बड़े भाई होकर के, आगे बोलेंगे कैसे उन्होंने बड़े भाई बन करके उन्होंने कैसे सेवा किया, लेकिन उन्होंने ये रामलीला में उन्होंने छोटे भाई बन करके आए, श्री लक्ष्मण बन करके आए, छोटे भाई का क्या कर्तव्य, बड़े भाई का आदेश को पालन करना, लेकिन भगवान राम उनको ऐसा आदेश दिया, इच्छा नहीं रहने पर बड़े भाई मर्यादा लंघन होगा, हाँ रामचंद्र पर मर्यादा पुरुषोत्तम, नहीं चाहने पर भी उनका आदेश को पालन करना पड़ा। इसलिए विशेष करके दो आदेश जो कठिन था, तो एक आदेश है जब उनने सीता को वापस लाए, उसी समय बोले लक्ष्मण को, बोले तुम अग्नि जलाओ, हैं तुम सीता जलाओ, बोले क्यों सीता क्यों जलाए, बोले सीता को मैं परीक्षा करके लूंगा। इतने में लक्ष्मण तो बिगड़ गए, भगवान को फिर बिगड़ गए, बोले जिसने किसी स्त्री को अगर कोई जोर जबरदस्ती उठा करके ले जाए, हैं अनिच्छा सत्व में, और जो लंका में रह करके इतने रावण का ऐश्वर्य है, जो एक साल तक पेड़ को नीचे बैठ करके ठंडा गर्मी सर्दी बरसात सहन करके इतने कठिन रूप में उन्होंने जीवन यापन किया, और जब उन्होंने वापस लाए उनको अग्नि परीक्षा करना पड़ेगा, मैं उनको माँ मानती है ना, लक्ष्मण उनको माँ मानती है, बोला अपना माँ के लिए मैं अग्नि सजाऊंगा, इसलिए मेरी माँ है, लक्ष्मण कह रहे में वो मेरी माँ है, इसलिए मैं उनका पक्ष लेकर का आपका मैं विद्रोह कर सकता हूँ, मतलब उन्हें राम तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा, बोला आपका नाम पर मैं विद्रोह, इतने बिगड़ गए राम को पर लक्ष्मण, हैं जब बिगड़ गए इतने में फिर रामचंद्र ने लक्ष्मण को समझाया, बोले ये असली सीता है ही नहीं, ये नकली सीता है, नकली सीता है, हैं कहते सीता को तो असली जो सीता मैं तो रावण आने से पहले मैं समझ गया था, इसलिए
इसलिए मैंने सीता को अग्नि को पास में रख दिया था। कहते हैं इसलिए महाप्रभु जब दक्षिणी यात्रा गए ना, वहीं पर एक ब्राह्मण बड़ा दुखी, इतना दुखी, दुख का कोई सीमा नहीं, क्योंकि वो राम भक्त था। जब महाप्रभु गए मिले तो उन्होंने बहुत दुखी, बोले क्यों दुखी हो? बोले मैं कैसे सहन कर सकता हूँ, रावण इतना दुष्ट राक्षस, माँ सीता लक्ष्मी है, माँ सीता ये लक्ष्मी है, रावण कैसे माँ सीता कैसे पकड़ करके उठा कर कैसे ले सकता है? मतलब अपना मैया को अगर बोले साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी, रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति उन्हें उठा करके ले गया माँ लक्ष्मी को, है पर लंका में रखा, मैया इतना कष्ट पाए, बेटा कभी सहन कर सकता है? पिछले दिन रात पर महाप्रभु ने उनने पुराण कुर्म पुराण का श्लोक उठा उदित किया। बोले देखो ये कुर्म पुराण में देखो, अमुक श्लोकों को देखो, रावण ने सीता को चोरी नहीं किया, वो नकली सीता थी, है वो नकली सीता तो साक्षात माँ लक्ष्मी, इसलिए उन्होंने बोले अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, अप्राकृत दिव्य सीता माँ है, प्राकृत नेत्र से हम उनको देख नहीं सकते। कहते छूने का तो बात छोड़ दो, ये प्राकृत नेत्र से अप्राकृत वस्तु का हम देख नहीं सकते हैं। केवल प्रेमा जन छुरिता भक्ति विलोचन, प्रेम रूपी अंजन लगाओ तभी दर्शन होगा, नहीं तो दर्शन नहीं होगा। अगर माँ लक्ष्मी को छूता है ना, वहीं पर जल करके राख हो जाता। फिर उन्होंने कुर्म पुराण का बताया, अमुक जगह पर देखो श्लोक में है, उन्होंने असली सीता को नहीं लिया, वो ब्राह्मण खाना पीना छोड़ दिया था। फिर उन्होंने देख करके बड़े संतुष्ट हुए, फिर उन्होंने भोजन किया है, फिर उन्होंने भोजन किया है। इसलिए यहाँ पर कहते असली सीता तो अग्नि में, अभी मैं असली सीता को लेना है ना, मेरे को असली सीता को मेरे को लेना है, इसलिए नकली सीता प्रवेश करेगा और असली सीता निकल करके आने वाले। इसलिए लक्ष्मण तब भी लक्ष्मण को सीता के लिए अग्नि है वहां पर चिता सजाना पड़ा, लक्ष्मण बड़ा दुखी हुआ है। और ये काम है जिस समय धोबी ने लांछना लगाई, बोले मैं राम नहीं हूं, अपना धोबिनी को बताए, बताओ तुम कल रात में कहाँ थी, पिछले रात में तुम कहाँ थी? बोले ऐसे ऐसे मैं आ रही थी, बीच में एक नदी पार करने का करना पड़ा और वहां पर शाम हो गया था, रिमझिम रिमझिम बारिश ही हो रही थी, केवट ने मना कर दिया, रात में अकेले स्त्री को मैं नवा पार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को मजबूरी में एक रात वहां रुकना पड़ा उस घर। बोले मैं थोड़ी राम हूँ, रावण कहा सीता को उठा करके ले गया और अपना लंका में रखा, और आई तो क्या किया, फिर राम ने अपना बाम पार्श्व में बैठा करके अपना बराबर सिंहासन दे दिया, मैं राम नहीं हूँ, जिस घर में रहना उसी घर में तुम जीवन जाकर बिताओ, उसी घर में जीवन बिताओ। है भगवान ने सब लीला क्यों किया है, कारण क्या, कारण इसलिए उन्होंने किया है, है? जगत में सबको शिक्षा देने के लिए, स्त्रियों को अपना इज्जत कैसे स्त्रियों को बचानी चाहिए। इसलिए अभी जो घोर कलिजुग आ गया, क्या आ गया कलिजुग, अभी कलिजुग में धीरे 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 इस सबके सब, पहले एक असत्य नारी जगत में, एक असत्य नारी ढूंढना कठिन था, पहले एक असत्य नारी ढूंढना कठिन होता था, लेकिन अभी कलिजुग ऐसे आ रहा है ना, एक सती नारी ढूंढना कठिन हो जाएगा, एक सती नारी ढूंढना कठिन हो जाएगा, पहले एक असत्य ढूंढना कठिन था, हैं? ऐसे जीवन यापन करते थे, लेकिन अभी कलिजुग आया तो असत्य एक सती नारी, यदि करुणा जो आया किस लिए आया है, एक जो करुणा आया क्यों आया है, कारण क्या है, कारण यही है, कारण यही है। अभी धीरे 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 जो कली का जो चार स्थान है ना, दुतम है, दुतम जुआ पानम जितने नस्ली वस्तु, अभी कोई बोल रहे थे कि शराब का जितना कीमत था ना, डबल से तीन डबल अभी कर दिया शराब का कीमत, लेकिन तभी लोग खरीदी करके शराब को लंबा लाइन लगा कर पी रहे हैं, वोटिंग लिस्ट में रह करके पी रहे हैं। ये सब के सब कली का चिन्ह है, हैं? स्त्रियम अवैध रूप में पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष में मिलना, और सोना मतलब जीव हिंसा है, मांस मछली अंडा खाना,
इसलिए जगत में इस दुख आने का यही कारण है, करुणा आने का यही कारण है। जगत में पृथ्वी कह रही है मैं सब चीज को सहन कर सकती हूँ, लेकिन ये पाप को मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए सब दुख कष्ट आने का ये सब यही कारण है, हैं? कारण यही सब के सब। इसलिए क्या हो गया गौर प्रभु, इसलिए वहां पर उन्होंने फिर लक्ष्मण को भगवान राम जब सुना है, फिर लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण जाओ सीता जी को जंगल में छोड़ कर आओ। फिर लक्ष्मण को वो काम करना पड़ा, लक्ष्मण को काम करना पड़ा, बड़ा दुखी हुए लक्ष्मण, बोले मैं छोटे भैया इसलिए मेरे को इतने कठोर आदेश, मैं और कभी छोटे भैया बन करके नहीं आऊंगा, आऊंगा तो मैं बड़े भैया बन करके आऊंगा। इसलिए उन्होंने श्री ताऊ भैया बन करके, श्री बलदेव प्रभु बन करके आए, और उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु बन करके आए, बलदेव नित्यानंद प्रभु बन करके, और उन्होंने बोले अगर बड़े भाई बनूंगा ना मेरे आदेश को पालन करना पड़ेगा, किसको, कृष्ण को मेरे आदेश पालन करना पड़ेगा, हैं, पालन करना पड़ेगा तो फिर तो मैं खूब कृष्ण सेवा करूंगा। तब इसलिए गुरु जी इसी बात पर गुरु जी कहते थे कभी ये कोई सेवक होगा, लक्ष्मण अवतार में मैंने छोटे भैया बन करके आए, छोटे भैया बन करके आए, भगवान राम की आदेश को पालन करना पड़ता था, पालन तो मेरे आदेश कृष्ण पालन करेगा, अभी कृष्ण का आदेश को मैं पालन नहीं करूंगा, पुलिस सेवा कहाँ हो गया, ये तो हो गया उल्टा भगवान के ऊपर में शासन करना हो गया है। तब गुरुदेव बोलते थे, बोले नहीं सेवक चार तरह के गुरुदेव कहते थे, कितना तरह का सेवक है, चार तरह गुरुदेव कहते थे, कहते बलदेव प्रभु ये उत्तम सेवक, उत्तम गुरुदेव उदाहरण देते थे उत्तम सेवक, ये कहते उत्तम क्या है, बोले उत्तम सेवक का लक्षण है नहीं चाहने पर भी जोर जबरदस्ती सेवा करना है। तो गुरुदेव जैसे पति बाहर जा रहा है ठंड का है, अभी पत्नी कह रही देखो बाहर जा रहे हो ये इस साल को ले जाओ है, ठंडी लगेगा तो ओढ़ लेना, और टिफिन में मैं खाना भर दे, भूख लगेगा तो खा, नहीं जरूरत नहीं अभी अभी जाऊंगा वापस आ जाऊंगा। पत्नी कहती अगर लेट हो गया तो क्या करोगे, बाहर ठंडा पड़ रहा है, लो इस जोर जबरदस्ती पति मना करने पर भी उनके लिए साल और टिफिन में खाना भर करके दे देती है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, गुरुदेव कहते बताओ पति तो मना कर रहा है लेकिन तो जोर जबरदस्ती दिया, अभी बताओ पति खुश होगा कि नहीं, बोले पति क्या खुश होगा कि नहीं, खुश हो जाएगा, बोले बाबा मेरी पत्नी देखो मेरे को कितने प्रेम करती है, मैं नहीं चाहने पर भी जोर जबरदस्ती पता मैं पति मना कर रहा है लेकिन पति भी खुश हो जाए, पति खुश, पत्नी मेरी बहुत ध्यान रखती है। गुरुदेव कहते ये उत्तम स्वभाव का, ये उत्तम स्वभाव का लक्षण है, हैं? कहते मध्यम स्वभाव कौन है, कहते जिनकी इच्छाओं को जान करके, इच्छाओं को जान करके बोलने से पहले जो सेवा कर देते, कहती है हैं? कहती है मध्यम सेवक, बोले कनिष्ठ सेवक कौन है, बोले आदेश देने पर जो पालन करता है, आदेश देने पर जो पालन करते हैं वो कनिष्ठ सेवक है, हैं? इसलिए कहती ये गुरुदेव उदाहरण देते थे बलदेव प्रभु कौन है, ये उत्तम सेवक है, ये उत्तम सेवक, उत्तम सेवक होने का नाते बड़े भाई बन करके आए, बोले क्यों, इसलिए हम आगे सुनेंगे, कहते हर समय जिनकी दास्य भाव छोड़ करके, जिनके अंदर में कोई भाव ही नहीं केवल दास्य भाव है, हैं? केवल दास्य भाव से आशा नक्षत्र व्यंजन पादुका उपादान जितने उनकी सब के सेवा की वस्तु कौन है, श्री बलदेव प्रभु, पंच रस से, पंच रस और दस शरीर से श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण को सेवा करते हैं, कहती है उत्तम सेवक श्री, इसलिए उन्होंने बड़े भाई बन करके आए, बोले कृष्ण को नहीं चाहने पर भी कृष्ण को खूब में जी भर करके, हैं? क्योंकि कृष्ण चाहेगा नहीं, हैं? कृष्ण नहीं चाहेगा नहीं, मुझे जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, लेकिन मैं बड़ा भाई बनूंगा ना, बोले नहीं जा इसको पहनो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, खाओ खाना पड़ेगा तुमको, हैं? खाना पड़ेगा तुमको, इसलिए खूब सेवा करूंगा, इसलिए उन्होंने दोनों अवतार में बड़े भाई बन करके आए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हैं? इसलिए दोनों जब श्रीमन महाप्रभु आए और नित्यानंद प्रभु ध्यान में बैठे हुए और महाप्रभु आकर के नित्यानंद प्रभु से मिले, जब दोनों मिले ना, दोनों को जीवन में पहला बार उनका मिलन है, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का आंखों को, महाप्रभु का आंख नित्यानंद प्रभु आंखों में आंखों ने मिलाया और दोनों दोनों को देख करके समझ गए
ये मेरे प्रभु है, ये मेरे बड़े भैया, यही श्री दाऊ भैया है, अब यही कृष्ण कन्हैया है, इसको जो समझ गए करते हुए, लेकिन उनको प्रकाश कैसे करेंगे, यही श्री नित्यानंद प्रभु, ये अवधूत है, क्या नाम है, ये अवधूत है, ये पागल है, किस चीज की पागल है, कृष्ण प्रेम के सबसे बड़े पागल यही है, लेकिन जो पागल है इनको प्रमाणित कैसे करेंगे, यही कृष्ण प्रेम रूपी मदिरा को पान करके रखे, इसलिए उन्होंने श्रीवास पंडितों को इंगित किया, तुम कृष्ण लीला की कृष्ण रूप की एक श्लोक को वर्णन ना करो, हर श्री श्रीवास क्या बोले, बोले बरहा पिडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रत बास कनक कपिस संति चमालां रंध्रान बेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुभद रमणम प्राभिशस्तद गीत कीर्ति। जब उन्होंने वर्णना किया है ना कृष्ण कितने सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण, इसलिए गोपियां ताना मारती, बोले नंदलाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की, हैं तुम इतने सुंदर थे ठाकुर। जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री दाऊ भैया की, भैया आपकी कथा हो रही है, इसलिए आपकी कथा हो रही है, दोनों भैया की कथा हो रही है, इसलिए भगवान अपनी कथा सुनने को ना भगवान बहुत अच्छा लगता है। भगवान राम ने क्या किया, लव कुश से जब कथा सुना रहे थे, भगवान राम अपना कथा को बैठ करके पूरा अयोध्या वासी बैठ करके पूरा बैठ कर कथा सुन रहे, प्रेम में भगवान, भगवान कथा में इतने आनंद इतने रस है, हाँ भगवान की कथा में भगवान भी अपना कथा सुनकर विवर हो जाते, बोले तुम दोनों आओ और बढ़िया करके यहाँ पर राम कथा को इसलिए कथा सुनाओ, और लव को सुनने बड़े सुंदर है, कहते श्री वाल्मीकि ने जो सुंदर रूप में रामलीला की उन्होंने लिपिबद्ध किया था, बड़े सुंदर अयोध्या वासी बैठ बैठ करके भगवान की कथा सुनाते, इसलिए जब उन्होंने ये श्लोक को सुना है ना, भगवान कैसे बड़े सुंदर है, कैसे नटवर बपू है, हाँ कान में कैसे कन्हियरी पुष्प कैसे धारण किए, दोनों कान में एक कन्हियरी पुष्प कैसे धारण किए हैं, कैसे गले में वैजयंती माला को धारण किए, कैसे बड़े सुंदर बंसुरी बजा रहे हैं, कैसे बड़े सुंदर श्रृंगार किए हुए, और जब श्री वृंदावन में दोनों भैया प्रवेश करते हैं सखाओं के साथ में, जिनकी चरण स्पर्श पाकर पृथ्वी अपने आप को धन्यादि धन्य मानती है, क्योंकि भगवान की चरण स्पर्श होने पर पृथ्वी के ऊपर में भगवान के जो उन्हें से चरण चिन्ह पृथ्वी देवी अपना वक्ष स्थल में धारण करती है, इसलिए पृथ्वी बड़ी खुश है, सखा लो कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए जय जयकार करते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। जब उन्होंने ये कृष्ण लीला की सुंदर, उन्होंने राधा रानी जो श्लोकों को वर्णना की थी, जब उन्होंने सुने इतने में श्री नित्यानंद प्रभु, क्या सिंहनाद, क्या हुंकार, कैसे उन्होंने अच्छाड़ खा करके, कैसे उन्होंने कैसे गिरे पछाड़ खा करके, ऐसे लगता था जैसे उनकी हड्डी चकनाचूर हो जाएगा, हैं इतने में जितने भक्त लोग महाप्रभु के साथ में थे ना, उनके शरीर में बलदेव प्रभु का शरीर में ये कृष्ण प्रेम की जो स्वेद अस्त्र विवर्ण पिलक बेपतु स्तंभ ये सब चीज को देख करके भक्त लोग डर गए, बोले बाबा रे ऐसे कृष्ण प्रेम इनके शरीर में, इसलिए देखिए अद्भुत कृष्ण उन्माद आनंद सकल वैष्णव संग कांति गौरचंद्र, महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु शरीर में दिव्य अद्भुत प्रेम की स्वयं गौरचंद्र, भक्त लोग तो आश्चर्य हो रहे थे, महाप्रभु स्वयं रो रहे थे, महाप्रभु हैं अभी ऐसे नित्यानंद प्रभु का शरीर में उन्माद, उनको कोई धारण नहीं कर पा रहे थे, ऐसे पछाड़ खा के गिर रहे थे, कोई उनको पकड़ नहीं पा रहे थे, इतने में श्रीमन महाप्रभु अपना गोद में उन्होंने ले लिया। जब महाप्रभु गोद में लिया, कहते जार प्राण ताके अर्पण लक्षण जे भावे राम को ले, उदाहरण देते हैं उनके प्राण, जिसका प्राण उन्होंने उसको कही, जिसका प्राण था उनको ही उन्होंने प्राण दे दिया, प्राण किसका है, परमात्मा रूप में तो कृष्ण ही बैठे है ना, और बलदेव प्रभु, इसलिए जैसे कभी लक्ष्मण जैसे शक्तिशैल होने पर मेघनाथ ने जब शक्तिशैल की, लक्ष्मण किसकी गोद में लेटे हुए थे,
राम की गोद में, इसलिए अभी श्री वही लक्ष्मण ही अभी राम की गोद में श्री जगन्नाथ जी की गोद में है। गदाधर वहां पर थे, गदाधर कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसको देख करके ना गदाधर पंडित भी हंस रहे, गदाधर पंडित भी हंस रहे। बोले क्यों हंस रहे थे, किस लिए हंस रहे थे? बोले भगवान क्या करते हैं, अनंत नाग ऊपर शयन करते हैं। ठाकुर जी अनंत नाग ऊपर शयन करते हैं, लेकिन आज देखो उल्टा है। हाँ, जिस अनंत नाग ऊपर प्रभु शयन करते हैं, अभी वो अनंत नाग अभी भगवान ऊपर शयन कर रहे हैं। इसलिए गदाधर पंडित देख करके ये चीज को हंस रहे, बोला देखो ये उल्टा कैसे है। हाँ? इसलिए दोनों को बड़े बड़े प्रसन्न हुए। बोले विश्वम्भर बोले प्रभु बोले शुभ दिवस आमार देखिला भक्ति जोग चारि वेद सा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, बोले क्या कह रहे हैं, कहते आज मेरा जो दिन है आज मेरा शुभ दिन है। बोले शुभ दिन क्यों? कारण है बोले चारि वेद में ढूंढने पर भी जो कृष्ण प्रेम दर्शन नहीं होगा है, और समस्त शास्त्र का सार क्या है, चार वेद अगर मंथन कर तो कहते निगम कल्प तरु कलितम फलम। इसे वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल ये श्रीमद भागवत है, और भागवत का सार क्या है, बोले ब्रज प्रेम है, गोपी प्रेम है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कहते देखिला भक्ति योग चार वेद सार, आज वो जो चार वेद का जो सार है आज मैंने दर्शन किया है, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। जो महाभाग्य देखिला चरण तुम्हार तुम्हार भजले सही पाए कृष्ण प्रेम था। इसलिए कह रहे हैं तो आज मेरा महाभाग्य है, आज ऐसे नित्यानंद प्रभु की बलदेव प्रभु का दर्शन मिला है। बोले क्यों? बोले तुमको जब तक कोई भजन नहीं करता है ना, तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया है ना निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई के नाय दृढ़ कर धर। जब तक श्री नित्यानंद प्रभु कृपा हो तब तक राधा कृष्ण नहीं मिल सकते। इसलिए महाप्रभु बोले आज जीवन धन्य हो गया है। इतने में महाप्रभु प्रश्न करते हैं, बोले भैया अभी तक तुम कहाँ था, हैं तुम कहाँ था? बोले मैं वृंदावन गया था। बोले वृंदावन में क्या कर रहा था? बोले वृंदावन में मैंने हैं मैंने सब मंदिर में गया दर्शन करने के लिए। जब मैंने सब मंदिर में गया दर्शन के लिए सब मंदिर खाली पड़ा, कोई मंदिर में कृष्ण है ही नहीं। मैंने कहा भैया वृंदावन में सारे मंदिर खाली पड़ा क्यों है, ये कृष्ण गए कहाँ, ये कृष्ण गए कहाँ है? इतने में आकाशवाणी हुई, बोले देखो जो वृंदावन के जो कान्हाई है ना, ये नदिया की अभी निमाई बन करके आया है। ब्रज के कान्हाई अभी नदिया की निमाई बन करके आए हैं। अभी वही कहते वही कृष्ण अभी श्री नवद्वीप गौड़ देश में जन्म ग्रहण किया है। इसलिए अभी क्या कर रहे हैं, अभी वहां पर महाप्रभु भक्तों को लेकर के हरि संकीर्तन कर रहे हैं। इसलिए मैंने वहीं से वृंदावन से मैंने सुन पाया कैसे आप यहाँ पर भक्तों को लेकर के हरि संकीर्तन कैसे कर रहे थे। इसलिए मैंने सुना नारायण यहाँ पर जन्म हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया, अच्छा इसलिए मैंने आपको फिर यहीं पर दर्शन करने के लिए फिर मैंने यहीं पर आया है। इसलिए कहते हैं संसारे रपार हरिया भक्ति रसागरे के दो भी वैसे भजो का नीताई चंदे संसारे रपार हरिया भक्ति रसागरे के दो भी वैसे भजो का नीताई चंदे नीताई गो नमः नियामन्य नीताई गो नमः अनिया प्रेमे अवन्ना भाषाला अब आ प्रेमे वन्ना लैया नीताई आइला गौर देते तो मिला बताता गना दीना ही नमारे
I'm
श्री बताए।